हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं डॉक्टर आर के टी आज के इस वीडियो में हम आठ ऐसे ड्रॉप के बारे में बात करेंगे जो ड्रॉप्स प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और आँखों की जितनी भी समस्याएं होती हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं तो सबसे पहला आई ड्रॉप है ड्राई आई यानी कि जिन भी मरीजों की ड्राई आई हो जाती है उनके लिए इस ड्रॉप का हम उपयोग कर सकते हैं जिसे हम इमेज के माध्यम से फोटो के माध्यम से आगे समझेंगे सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं किस किस काम की ये आएगी ये ड्रॉप आई इरीटेशन ड्राइनेस इज कॉमन स्पेशली इन द फॉल एंड इन विंटर मोस्ट माइनर केसेस ऑफ ड्राइनेस रिस्पॉन्ड वेल टू लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आर आर्टिफिशियल टीयर्स बट दिस ड्रॉप मे नॉट एलिविएट द सिम्टम्स इफ ओ टी सी ड्रॉप्स डू नॉट सूथ द स्क्रैची इरिटेटिंग बर्निंग सेंसेशन फ्रॉम द ड्राई आई राइट right? तो ये जो ड्रॉप है जब भी पेशेंट्स को ड्राई आई होता है इस ड्रॉप का हम उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है रिफ्रेश टीयर्स ये कोई ब्रांड प्रमोशनल वीडियो नहीं है आपके लिए बहुत ही डीप वीडियो में आप सभी के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ रिफ्रेश टीयर्स मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हैं ये ड्राइनेस एंड इरिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है और टेन एम में आपको मिल जाता है जिसके अंदर कार्बॉक्सी मिथाइल सेल्यूल्यूज सोडियम पाया जाता है नेक्स्ट ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पर है ड्रॉप्स फॉर एलर्जीज यानी कि जिन पेशेंट्स को जिन व्यक्तियों को एलर्जीज की वजह से आँखों में खुजली आँखों में ईचिंग आँखों में रेडनेस होता है उनके लिए कौन सी कौन सी ड्रॉप्स होती हैं एलर्जेंस लाइक ग्रास डस्ट मोल्ड स्पोर्ट्स एंड पैट्स डेंडर्स कैन कॉज द बॉडी टू रिलीज इस्टमिन दैट ट्रिगर आई इरीटेश रेडनेस एंड वाटरिंग इनका कहने का मतलब ये है कि डस्ट से मोल से इस्पोर्ट से या पेन अंडर से अगर किसी को हिस्टमिन रिलीज होता है और हिस्टेमिन रिलीज होने की वजह से इरिटेशन होता है आँखों में आँखें लाल हो जाती हैं आँखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है तो ये मेडिसिन एंटास्टमिन एस्टास्टमिनिक कहलाती हैं और ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर आपको एवेलेबल हो जाती हैं तो एंटी हिस्टमिन जो होती हैं ये हिस्टमिन को ब्लॉक कर देती हैं जिसकी मदद से आपकी आंखों की समस्या आंखों में इरिटेशन या रेडनेस ठीक हो जाती है ये आपको मार्केट में दो नामों से और कई अलग अलग नामों से अवेलेबल हो जाता है ये बहुत अच्छे ब्रांड्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हिस्टा फ्री हिस्टा फ्री के नाम से लाइफ स्टार का ये आता है हिस्टा फ्री के नाम से आपको मिल जाता है दूसरा ये मिल जाता है एलवेलोन ए एलर्जी आई ड्रॉप ये भी आपको मिल जाता है मार्केट में जो कि एलेन जो ड्रॉप है एलवेलोन जो ड्रॉप है ये कई सारी बीमारियों में भी उपयोग किया जाता है थर्ड नंबर पर दोस्तों हमारी ड्रॉप्स है एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स एंटीबायोटिक ड्रॉप्स के कई यूजेस होते हैं जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक पिंक आई रिक्वायर्ड प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स टू रिड्यूस सिम्टम्स एंड ब्रिंग हीलिंग एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड वाफ्टर आई सर्जरी टू प्रिवेंट infection, these ड्रॉप्स आर नॉट अवेलेबल ओवर द काउंटर यानी कि एंटीबायोटिक्स जो दवाएँ होते हैं जो ड्रॉप्स होते हैं ये OTC के अंदर नहीं आती यानी कि ओवर द काउंटर नहीं होती हैं ये आपको प्रिस्क्रिप्सन के माध्यम से ही मेडिकल स्टोर से लेनी होगी और ये कई सारे इन्फेक्शन्स में यूज होती है जैसे किसी की अगर सर्जरी होती है उससे पहले वी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी पेशेंट को होता है आँखों में उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ओफ्लॉक्सक्सन की तो ओफ्लासिन के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है दूसरा सिप्लॉक्स जो कि सिप्राफ्लॉक्सासिन जिसके अंदर है ये भी आपको मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत अच्छे यूज होते हैं इसके अलावा मोक्सी फ्लॉक्सासिन भी मार्केट में आपको एजी एंटीबायोटिक मिल जाता है जो कि मोक्सी फोड है या मोक्सीसिप के नाम से मिल जाता था है इसके साथ में एंट जेंटामाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है जेंटासिप के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है नंबर चार पर है दोस्तों रिवेटिंग ड्रॉप्स रिवेटिंग ड्रॉप्स।, ड्रॉप्स क्या होता है जब भी पेशेंट्स कई लोग होते हैं जो कॉन्टें कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं और वो ड्राई फील करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको रिवेटिंग uh, ड्रॉप्स दी जाती है कॉन्टैक्ट लेंसेस बियरस कैन गेट रिलीफ यूजिंग ओ टी सी ड्रॉप्स टू एड मॉइस्चर वैन कॉन्टैक्ट फील ड्राई जब उनको कॉन्टैक्ट लेंस ड्राई लगने लगता है उनको वहाँ पर ड्राइनेस फीलिंग होने लगती है तब रिवेटिंग ड्रॉप्स का यूज किया जाता है और ये हल्का सा मॉइस्चर वहाँ पर बना के रखते हैं सरफेस को एरिया को जिसकी मदद से पेशेंट को आराम मिलना स्टार्ट होता है पेशेंट को रिलीफ मिल जाना स्टार्ट हो जाता है इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं ओ टी के अंदर आती हैं और मार्केट में आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती हैं कई नामों से आपको ये मिल जाती है जैसे कि विलिंक कॉन्टैक्ट्स के नाम से आपको मिल जाता है ड्राई कॉन्टैक्ट्स जिसे नॉर्मली कहा जाता है जो कि लुब्रिकेटिंग है लुब्रिकेट कर देती है आई को वहाँ पर मॉइस्चर भी कर देती है मॉइस्चर ड्राई लेंसेस राइट और लॉन्ग लास्टिंग कम्फर्ट है ये बहुत लंबे समय तक कम्फर्ट आपको दे सकता है इसके साथ में ऑप्टि फ्री जो कि प्योर मॉइस्ट के नाम से आता है वो वो भी री ड्रॉप्स के अंदर आता है एलकॉन कंपनी इसे बनाती है तो ये दोनों ड्रॉप्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और ये री ड्रॉप्स हैं जो कि आसानी से आपकी आइज़ को लुब्रिकेंट बनाने में मदद करते हैं साथ ही साथ फाइव नंबर आपका है ग्लूकोमा ड्रॉप्स ग्लूकोमा ड्रॉप्स जब पेशेंट को ऑक्यूलर uh, फ्लूट्स बढ़ जाता है जैसे वन ट्रीटमेंट मेथड फॉर ग्लूकामा इज प्रिवेंट प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स विच कैन हेल्प मेंटेन सेफ लेवल ऑफ इंटरनल आई प्रेशर जो आँखों के अंदर का प्रेशर होता है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है दिस ड्रॉप्स आर ओनली अवेलेबल विद अ प्रिस्क्रिप्शन एंड द डोज इज केयरफुली मॉनिटर्ड बाय अन ऑप्थलमोलॉजिस्ट इसका डोज है वो ऑप्थेलमोलॉजिस्ट से ही एक बार मोनिटर्ड uh, करवाएं साथ ही साथ जो इसका फेमस ब्रांड आता है वो लेटोकॉम लेटोकाम के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है जो आई ड्रॉप्स है और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दैट यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा ऑक्यूलर हाइप हाइपरटेंशन। इट डिक्रीज द फ्लूड एक्वस ह्यूमर उसके प्रोडक्शन को कम कर देती है और अंदर जो इंटरनल आपका प्रेशर बढ़ रहा है आँख के अंदर उसे कम कर देती है इसके अंदर आपको लेटोकॉम का बहुत अच्छा आसानी से ब्रांड मिल जाता है जिसके अंदर लेटोनोप्रोस्ट है और टिमलो टिमोलोल मैलिट है जो आसानी से आपको मिल जाता है और इसके साथ में आपको दूसरा भी ब्रांड मिल जाता है जो फाइज़र कंपनी का बनाता है जालोकॉम जालोकॉम भी आपको आसानी से मिल जाता है जिसके अंदर भी लेटानोप्रोस्ट है और टिमोलोल है राइट इसके अंदर छठवा नंबर आता है दोस्तों हमारा ड्रॉप्स फॉर रेडनेस यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आंखें लाल हो जाती हैं रेडनेस आ जाती है तो उसके लिए डिकन्जस्टेंट जो ड्रॉप्स होती हैं वो हेल्प कर सकती हैं जैसे डिकन्जस्टेंट ड्रॉप कैन हेल्प क्लियर अवे रेडनेस बाय वस्ट ब्लड वेसल्स इन द आई इफ रेडनेस प्रसिस्ट शेड्यूल अ चेक अप विथ योर आई डॉक्टर ओवर यूजिंग डिकन्जस्टेंट ड्रॉप कैन मेक द रेडनेस प्रॉब्लम वर्स अगर आप आपको रेडनेस की प्रॉब्लम है तो डिकन्जस्टेंट दवाइयाँ ड्रॉप्स जो होते हैं आप उसे यूज कर सकते हैं और अगर विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के ओवर यूज अगर आप डिकन्जस्टेंट को करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम को आँखों में जो रेडनेस हो रही है उसे बढ़ा भी सकता है इसलिए ये थोड़ा सा आपको रिस्की हो सकता है विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन को आपके किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन नहीं करना है इस बात को आप ध्यान रखें नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें जो आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं जैसे विजन करके नाम है वो आपको मिल जाता है रेड आई के लिए कंफर्ट आपको बहुत जल्दी देता है फास्ट रिलीफ है फास्ट एक्टिंग है साथ ही साथ क्लियर आईज़ भी आपको मिल जाता है और क्लियर आई जो है कंप्लीट सेवन सिम्टम रिलीफ ये सात सिम्टम्स को भी साथ में ठीक कर सकता है जैसे रेड आई को ड्राई आई ईची आई ग्रिटी या इरेटेड वर्निंग वाटरी आइज़ को भी ये धीरे धीरे ठीक करता है जो कि बारह घंटे में आपको रिलीफ देता है दोस्तों आठवें नंबर पर है ड्रॉप्स फॉर ट्राइड आई जब आंखें हमारी थक जाती हैं हम ज़्यादा काम करते हैं ज़्यादा स्क्रीन पर रहते हैं ज़्यादा ओवर लोड हमारे पास है ज़्यादा ओवर वर्क हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी आंखें थक जाती हैं और उनको रिवाइटलिटी करने के लिए हमें ड्रॉप्स की भी ज़रूरत पड़ती है कई बार जो कि डॉक्टर्स आपको प्रेसक्राइब कई बार कर भी देते हैं तो जो कि यहाँ पर जब आपको आंखें थक जाती हैं आंखें परेशान हो जाती हैं तो इसके लिए आपको रिफ्रेशिंग आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं ऑप्ट्रैक्स के नाम आ, जो कंपनी है वो आपको देता है ओप्ट्रैक्स नाम है इसका रिफ्रेशिंग आई ड्रॉप्स के नाम से आपको मिल जाता है जो रिफ्रेश करती है और रिवाइटलाइज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी चैनल पर कई सारी इस तरह की ऐसी वीडियोस हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस से संबंधित कई सारे वीडियोस बनाए हैं और कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय